पर मैं वापस आऊंगी, आपने बोला टेली सर्वे के बारे में, क्योंकि टेली सर्वे में ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं। मैं कह रहा कुछ भी इंडिकेशन हो कि चन्नी साहब लीड कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं तो फिर हाई कमांड लीड कर रहा है और नंबर वन चॉइस है, बटन दबाने में सबसे पहला नाम चन्नी का आता है। भैया मेरी एक बात सुनो, यहाँ आप आग लगाने आई हैं, लड़ाने आई हैं या क्या करने आई हैं? मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं कहता हूं अगर कोई भी निर्णय होगा हाई कमांड का, नवजोत सिंह सिद्धू सब्र से सहजता से, कोई जरूरी तो नहीं है कि कुर्सी ही चाहिए बदलाव के लिए, विचारधारा से भी बदलाव आता है, अगर सृष्टि को बदलना है तो दृष्टि को बदलना होगा, समझे? वो मैंने आज सारे माफिया को नंगा करके खड़ा कर दिया ना, लोगों के पास वो विकल्प है। आप मुझे बताइए पिछले 5 साल से जितने आइडियाज पंजाब की बेहतरी के, जितनी पॉलिसीज पंजाब की बेहतरी की, चाहे वो 1000 रुपए रेत की ट्रॉली हो, चाहे वो लिकर का कंट्रोल स्टेट का पूरी तरह से हो, चाहे वो तमिलनाडु से कंपैरिजन 30,000 करोड़ का हो, चाहे वो कमीशन हो जितेगा पंजाब कमीशन प्लानिंग का, चाहे वो राजीव गांधी जी की विजन हो कि पंचायतों को और 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट पंचायतों को, सरपंचों को 170 पावर्स, चाहे सरकार लोगों के द्वार 170 सर्विसेज फॉर देम, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मकानों की रजिस्ट्रेशन, तहसील में जाते हैं करप्शन, थाने में जाते हैं करप्शन, वो कैसे दूर होगी विदाउट द इंटरफेस, आ डायरेक्ट पंच ऑन द कंप्यूटर 170 सर्विसेज गिवन टू यू। ये विजन राहुल जी ने दिया कि नहीं दिया? वो कहां से ओरिजिनेट हुआ पिछले 5 साल में? सत्ता में कौन था और कौन सत्ता को छोड़ के वही एजेंडे पे खड़ा रहा, उसी एजेंडे की बात करता रहा और ईमानदारी से सर्वस्व त्याग के, कोई किसी पे एहसान नहीं किया, अपने लिए किया, अपने अगले इलेक्शन के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए किया। और ये बहुत से ऐसे पंजाबी हैं, डॉक्टर गांधी बैठे हैं आज यहीं पे, वो पता नहीं पार्टियों को छोड़ के, पार्टियों से ऊपर उठ के यहां आए हैं, क्यों आए हैं? ये सब चोर इकट्ठे हो गए हैं, इनको माफिया का अस्तित्व खतरे में लगने लगा, ये मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए ये इकट्ठे होके नहीं चाहते बदलाव। इनको पता है कि अगर सिद्धू आ गया या कोई ऐसा राहुल गांधी का इंसान आ गया जो पॉलिसी से बदलाव करेगा तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। चोर चोर मौसेरे भाई, मैं आप ही की बात आपको दोहराती हूँ, आज हम गए थे आपकी कैंपेन भी हमने देखी तो वहां पे था बाकी सब थल्ले थल्ले, सिद्धू तेरी बल्ले बल्ले, आ गया सिद्धू, छा गया सिद्धू, ये सब नारे सुने आपने। ये लाइन कही थी, तालियों का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती, तुम्हारी नियत में खराबी है। हजूरे वाला पहले शेर ठीक तरह से पढ़िए तो आप सुना दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम तो तालियों का शोर, ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू बिकम सिद्धू, आई एम नॉट सिद्धू, करेक्शन करेक्शन मोहतरमा, इसीलिए मैं कहता हूँ कभी जिंदगी में किसी की कॉपी नहीं करनी, क्योंकि जब आप कॉपी करने जाते हैं दूसरा आप बन नहीं सकते, खुद को खो देते हो। मैं बताता हूँ कैसे, तालियों की कॉपी नहीं कर सकते, ये तो हम बात मान ही रहे। सुनो 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 सुनो, ये तालियों का शोर नहीं है, तालीम का जोर इतना, बदल गया सब कुछ, तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती गुरु, तुम्हारी नियत में खराबी है। क्यों, बात हुई कि नहीं? ये शेर ओरिजिनल है इसलिए ओरिजिनल बंदा ही बोल सकता है, मोहतरमा आप लड़खड़ा जाओगी तो इन द मैं ये मान रही हूँ, मैं तो मान रही हूँ सिद्धू इज ओरिजिनल टू सिद्धू इज, और सिद्धू किसी की कॉपी नहीं करता। हाँ। जब मैं कमेंट्री भी किया तो लोगों ने कहा यार ये क्या है यार, ये तो बड़ा एंटरटेनिंग बंदा आ गया यार, ये तो मतलब वो सड़क मेरी थी उसमें कोई चल ही नहीं पाया, इसलिए सिद्धू अलग था। ऐसे ही हर आदमी अलग है, हर आदमी का अपना एक स्ट्रेंथ है और उसे वो फॉलो करना चाहिए। पर सिद्धू साहब आपने बोला कि बात विकास की हो रही है, बात रोजगार की हो रही है, बात भ्रष्टाचार की हो रही है, लोगों के लिए एक नया 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 उम्मीद, नया सवेरा, पर कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये बातें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ये भी बात हो रही है कि जो चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री बने वो एक दलित मुख्यमंत्री हैं, आज वो उनकी कास्ट एक अहम क्राइटेरिया बन गई है कि अब ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट था ये आप गलत वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं हो सकता, उनको दरकिनार नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत बोल, ऐसा पार्टी आला कमान के ऊपर दबाव है, कहता हूँ बिल्कुल गलत बोल रही है। देखिए पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरा देना, ऐसा तो फिर आप ये कह सकते हैं 72 साल से जट सिख बनता रहा है, हिंदू तो 2 महीने के लिए बना है, लेकिन पंजाब इसको भी नहीं मानता, पंजाब मेरिट को मानता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, अगर आप ये कहें कि जी जात से ही बदलेगा पंजाब तो वो गलत बात है, पंजाब काबिलियत से बदलेगा। मैंने शुरू वहां से किया था,
पंजाब मुद्दों से बदलेगा। मैंने मुद्दों की राजनीति की है, आप मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, पर आप दलित की राजनीति हो रही है कि दलित चेहरा है वो। ये देखिए, ये पार्टी, ये पार्टी की लाइन जो होगी वो मेरी लाइन होगी, मैं सिपाही हूं पार्टी का। लेकिन सवाल ये नहीं है कि जी ये फलाना होगा, ये धमकाना होगा। सवाल ये होगा कि भाई पंजाब को बदलेगा कौन? नंबर एक, ध्यान से सुनिएगा, इस कीचड़ से, इस उल्टी राह से सीधी राह पे कौन लाएगा? बदहाली से खुशहाली पे कौन लाएगा? एक, ये पहला सवाल है। दूसरा, कैसे? कैसे मतलब रोड मैप, कैसे मतलब एजेंडा, कैसे मतलब बेरोजगारी को कैसे सॉल्व करेगा? ये माफिया को, माफिया की जेब में से पैसा निकाल के स्टेट के एक्सचेकर में डाल के डबल कैसे करेगा सेंटर की स्कीम्स में डाल के, राइट? फिर उसकी पॉलिसीज क्या होंगी, एनवायरमेंट पे क्या करेगा, ये क्या करेगा? ये सवाल है नंबर दूसरा। नंबर तीन, जो सबसे अहम सवाल है मोहतरमा, पंजाब के लोग उसे समझते हैं, वहां बैठा मीडिया समझे या ना समझे, इसे लागू कौन करेगा? मैं कहता हूं इसे लागू वही कर सकता है जो पुराने सिस्टम में नहीं रहा, जो उस माफिया का हिस्सा नहीं रहा। क्योंकि माफिया तो डिफेंड कर रहा है अपने आप को, वो तो 100 परिवारों ने 40,000 करोड़ रुपया हर साल कमाया है, पंजाब पे 3,00,000 करोड़ रुपया कर्जा चढ़ाया है। वो बहुत पावरफुल सिस्टम है मोहतरमा, वो उस सिस्टम की लड़ाई, नेकी और बदी की लड़ाई जो है वो एक महाभारत बन गई है पंजाब में। अब सवाल ये है कि क्या धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन को जिताएगा या धर्म की विजय होगी? धर्म क्या है? कि पंजाब के लोगों में के कल्याण में सरकार का कल्याण। धृतराष्ट्र कौन? धृतराष्ट्र बड़ा बादल, जिसको सुखबीर के अलावा कुछ दिखाई नहीं, जीजू साला, समझा नहीं? साले साहबान को इसलिए भेजा गया है कि सिद्धू का ध्यान भटकाओ, सिद्धू को उत्तेजना दो, सिद्धू को गाली गलौच में लगाओ, पंजाब मॉडल से भटकाओ, मुद्दों से भटकाओ। लेकिन असी पंजाबियां ना आली गल करते हैं, ये तो पिस्सू है, ये तो जूं है, एक सहकते हुए जानवर की जूं है, पिछली बार 14 आई थी। तो हमने पिस्सू नहीं मारना, अभी तो झोटा मारना, चिचड़ आपे मर जाना है। देखो ये जो झोटा मरेगा ना, जब चोर की मां मारनी है तब चोर मरेगा। इसलिए ये कनेक्शन जो है, ये 75-25 का, ये जो बिजनेस एक दूसरे के प्रोटेक्ट करते रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल और बहुत से लोग मिले हुए हैं उसमें, ये सबको तोड़ के एक नए सिस्टम को खड़ा कर रहा है, जहां ईमानदारी जीते, जहां सच की फतह हो, और जहां वो सिस्टम लोक कल्याण का, कल्याणकारी स्टेट बने। अ वेलफेयर स्टेट शुड कम इनटू बीइंग।